पावन पवित्र गोदा निग मारे गुरु रूप प्यारे खालसा जीओ रसना पवित्र करो सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो कोई रसना वांझी ना रहे सारियां भैणां सारे वीर हमदबान होके आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कदे कदे सत्तर धारी योधे दी हार एक बनवासी राजकुमार हथों हो सकती है। कदे कदे रूस और अमेरिका वर्गियां ताकतां एक छोटे जे मुल्क जर्मन सामने दर वट सकदियां ने। एक सवाल पैदा हो रहा है, प्रश्न पैदा हो रहा है, क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि दुनिया केड़ी हस्ती है जिसकी सदा ही फतेह हुंदी होवे। एक विद्वान कहता है द विक्ट्री दैट ऑफ द गॉड फतेह है केवल अकाल पुरख की। जे फतेह भी अकाल पुरख की आप भी अकाल पुरख दे संगण वाली कि गल है। मैं फतेह बुलाईए भैणा वालों बिल्कुल आवाज घट आईए कई भैन तो डर दी नहीं बोल दियाँ भी ना ही कृपाल कौर कवेगी भी महेंद्र कौर भी चकाले छड़ दी है बिच संगण वाली गल कि सारिया भैन सारे वीर गजब के आख वाहिगुरु जी का खालसा मैं दुनिया के तख्त उत्ते भी जीवन का कोई हक नहीं होया करता। बुद्ध धर्म का इतिहास पढ़ो। इस बुद्ध धर्म का प्रचार सम्राट अशोक वर्गिया ने अपनी चेलियां राही करवाया। इस बुद्ध धर्म का प्रचार राजा बिंदुसार ने अपने चेलियां राही करवाया। अज हिंदुस्तान च निगाह मार के वेखो यह बुद्ध धर्म चंद पत्थर दियां मूर्तियां दे सिवा सानू कुछ भी नजर नहीं आता। पंथ के महान विद्वान भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने कुरबाणी तिन्ह गुर सिखां पिछल राती उठ बहंदे। कहते नहीं मैं उन्होंने गुरसिखा तो कुरबान जाता हाँ जेडे पिछली रात उठ के बह जाते कुरबाणी तिना गुरसिखा अमृत वेले सरना बंदे कुरबाणी तिना गुरसिखा होए एक मन गुरजाप जपंदे कुरबाणी तिना गुरसिखा साध संगत चल जाए जुड़ंदे शहीदां दा गुरपुरब मनाउंदे ने। और सियाणे कथन करदे ने हुंदियां ने जो नेक औलादां वरियां बाद मनावण यादां दे कथन अनुसार अज दा महान समागम शांति दे पुंज शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दी शहीदी गुरपुरब नूं समर्पित है। साडे तों पहले आप जी ने रब्बी बाणी इलाही बाणी तुरकी बाणी का कीर्तन सरवण किया। उस तो बाद पंथ के महान विद्वान मेरे परम मित्र प्रोफेसर सुखचैन सिंह जी जिन्हों को कदे मैं पंजाब एंड सिंध बैंक की ट्रेनिंग लेने वास्ते चंडीगढ़ जाया करता सा। ये धरती कितनी सुभागी है किस देश में उन्होंने दर्शन होए ने वो तुहाडी एक काव्य रूप दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी का जीवन विख्यान कर रहे थे। समा बड़ा सीमित है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का जीवन बड़ा ही अलौकिक जीवन है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का जन्म श्री गुरु रामदास महाराज जी के घर माता भानी जी की कुख विचों होया। जिहड़ियां कल दे विद्वान विच संगतां हाजर सन उन्हां नूं पता है कि मैं दस्या सी कि बीबी भानी जी सिख पंथ दी ओह महान शख्सियत जिन्हां दा पिता भी गुरु गुरु अमरदास जी जिन्हां दा पति भी गुरु गुरु रामदास जी जिन्हां दा पुत्र भी गुरु गुरु अर्जन देव जी जिन्हां दा पोतरा भी गुरु श्री गुरु
हरगोबिंद पातशाह जिन्हों का पड़पोत्रा भी गुरु श्री गुरु तेग बहादुर शाह महाराज पड़पोत्रे का अगे पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वह भी गुरु दुनिया च कोई ऐसी मां नहीं जिन्हें गुरुआं दी वंश नूं जन्म दिता होवे इह फखर हासिल है केवल ते केवल मात भानी जी नूं उस महान कुख विचों श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का जन्म होया इस दुनिया विच तीन कोमल हुनर मन्ने जांदे ने राग कविता और चित्रकारी श्री गुरु अर्जन देव महाराज उच्च कोटि दे रागी सन सरंदा वजा के श्री दरबार साहब आप खुद कीर्तन करया करदे सी और कवि भी सरोनी कवि जिन्होंने अपनी कलम के नाल 2218 शब्द लिखे और चित्रकार किन्ने कमाल दे सन श्री दरबार साहब हरिमंदर साहब का नक्शा श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने अपने हाथ दे नाल तैयार किया है 18 साल की उम्र में श्री गुरु अर्जन देव महाराज गुरगद्दी उत्ते बैठे ने गुरगद्दी उत्ते बैठदिया मेरे हजूर ने उसारू प्रोग्राम एवलिक ने शुरू कर दिते
चंद जी महादेव और अर्जन देव गुणा के आधार उत्ते गुरु गद्दी मिली श्री गुरु अर्जन देव जी 18 साल की उम्र जब हजूर गुरु गद्दी उत्ते बैठे गुरगद्दी उत्ते बैठदिया मेरे हजूर ने उसारू प्रोग्राम लिखने शुरू कर दिते। इतिहासकार लिखते ने कि जदों बाबा बुढ़ा जी ने गुरगद्दी की दस्तार पेश की पृथ्वी चंद ने गुस्से चाण के खो ली। गुरु अर्जन देव महाराज जी के नाल ईरखा कर लग पिया। कहते ने आई संगत को माया आप लै लैनी ते लंगर छकन वल अर्जन वल भेज देना। ओ गुरु के लंगर जिथे खीर क्याली तरह तरह के पकवान बनते सी सुक्कियां मिस्सियां रोटियां पकाउन तक नौबत आ गई। भाई गुरदास जी काशी गए हुए सन जदों वापस आए वेख के हैरान रह गए। चौहान खूंजियां च सेवादार खड़े कर दिते। लोकां च पृथ्वी चंद का पोल खोलिया और लोग पृथ्वी चंद नूं मीना मीसना कहने लग पे। हजूर गुरु गद्दी उत्ते बैठे गुरु अर्जन देव महाराज दे साडे उत्ते बड़े परोपकार ने, पर उन्होंने सब तो वड्डा परोपकार कीता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वर्गा अध्यात्मक ग्रंथ दे जाना। यह वड्डा परोपकार है। वेखो इस दुनिया च गीता है, बाइबल है, कुरान है, पर किसी भी ग्रंथ नूं गुरु का दर्जा नहीं मिलिया। गुरु का दर्जा मिलिया है केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं। मैं एक मिनट दस लवां, इहदे विच छे गुरुआं दी बाणी, 15 भगतां दी बाणी, 11 भट्टां दी बाणी, 4 गुरसिखां दी बाणी दर्ज कीती गई। गुरु नानक महाराज ने 973 शब्द लिखे। गुरु अंगद देव महाराज ने 61 शब्द लिखे। गुरु अमरदास महाराज ने 907 शब्द लिखे। गुरु रामदास महाराज ने 679 शब्द लिखे और गुरु अर्जन देव महाराज ने आप 2218 शब्द लिखे। मैं दस दिया जब गुरु अर्जन देव महाराज जी ने यह वीर संपाद की 974 पन्ने से। बाद विच कलगी पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की बाणी राग जैजवंती दर्ज करके 69 शब्द 57 श्लोक दर्ज करके 1430 पन्नियां दा ग्रंथ संपाद कीता, ऑडिट कीता। 11 भट्टां दी बाणी, 4 गुरसिखां दी बाणी, 15 भगतां दी बाणी दर्ज कीती गई। इस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे कुल अखर 92,224 हन। अज कोई कवि कविता लिख लेवे उहदे मन विच हंकार आ जांदा है। अबार नीक ने रामायण लिखी, उन्हें बड़े फखर नाल कहा जदों तक दुनिया विच भगवान रामचंद्र दा नाम रहेगा मेरा नाम सुनहरी अखरां विच लिखिया जाएगा। अंग्रेजी तक कवि है जॉन मिल्टन, उन्हें एक रचना लिखी ते नाल ही अपनी कलम नाल लिख दिता द वर्ल्ड विल नॉट लेट इट डाई। कहिंदा संसार मेरी रचना नूं मरन नहीं देवेगा। पर गुरु अर्जन देव महाराज जी दी विशाल आत्मा दा अंदाजा वेखो, 1430 पन्नियां दा ग्रंथ लेके हजूर हंकार विच नहीं आए। आखरी पंक्ति आई, मेरे हजूर कितनी निम्रताई नाल कह रहे ने, मैं निर्गुणी आरे कोई गुण नाहीं आपे तरस पिओई। मेरे विच कोई गुण नहीं, उस अकाल पुरख ने मेरे ते तरस करके इस सारा कार्य संपूर्ण कीता। मेरे हजूर ने बाणी दर्ज कर लग्या ई नहीं वेख्या ए नाई है, सीमा है, जट है, चमार है। हजूर दियां नजरां च कट्टर मुसलमान आया जिन्हें लिखिया उठ हरी दा
ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਡਾ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਕਬੂ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਐਨੀ ਕਰੜੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰਾਮ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੇ ਬੂ ਆਤੀ ਹੈ ਅਹਲੇ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਭਗਵਾਨ ਸੇ ਬੂ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿਸਕੋ ਫੁਰਸਤ ਹੈ ਕਰੇ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨ ਜਬਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਬੂ ਆਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਧੁਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਇਖਾਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲਾਲੂ ਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਮ ਆਪੂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਜਨ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਅਕਬਰ ਬਟਾਲੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਦੁਸਾਈਆਂ ਕੋਈ ਅਲਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਅਕਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ 59 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲੋਂ ਰਖਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਟ ਗੁਣੀਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁੰਚ ਹੱਕਰ ਨੇ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜੁਗ ਟਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਢਹਿ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬਦਾਨੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਭਰ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜੀ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਬਣਿਆ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬਦਾਨੀ ਕਾਬਲ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਰਕਮ
श्री मान संत बाबा कुमा सिंह जी दिती गई और श्री मान संत बाबा देसराज जी की रहनमई है श्री दरबार साहब की फिर उसारी कर दिती गई। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने 64,17,000 रुपए का सोना लवा के इन स्वर्ण मंदिर विच तब्दील कर दिता जिन्हू अजकल असी श्री दरबार साहब स्वर्ण मंदिर गोल्डन टैंपल कहते हैं। अज सारा जहान उस श्री दरबार साहब सजदे करता है। खालसा जी इधर कहते ने जहांगीर ज्यों ज्यों बुढ़ा हो रहा सी इहदे पुत्र शहजादा खुसरो ने बगावत कर दी। इहदा पुत्र शहजादा बगावत खुसरो बगावत करके पंजाब वल वधिया। इह गुरु अर्जन देव महाराज कोल आया महिमा प्रकाश च लिखे है था बड़ा दुखी सिर ते पई आहत देख दी गुरु ने की दयाहत। महाराज ने दुखी समझ के इहदी सेवा कर दी। इधर कहते नहीं बादशाह जहांगीर जो पता लगा कि मेरे पुत्र शहजादा खुसरो ने बगावत कर दी है और शहजादा खुसरो के मगर मगर आ रहा है। अज कई इतिहासकार श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का कारण चंदू लाल दसते हैं। कि चंदू लाल कौन है? ये बादशाह का दीवान है। इहदी धी मुटियार होई इन्हें लागियां कहा कि जाओ मेरी लड़की वास्ते कोई रिश्ता लभ के लियाओ। उन्हें समय में लागी रिश्ता तय करती सी। कहते लागी अमृतसर आए उन्हें साहबदादा हरगोबिंद पसंद आ गए। उन्होंने सगन वजो रुपया रख के चंदू लाल नूं खबर की थी कि तेरी लड़की का रिश्ता अर्जन देव के पुत्र हरगोबिंद नाल तय कर दिता गया है। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤਿਲ ਬਣਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਆਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। और महाराज ने संगत का हुक्म खेड़े मथे प्रवान कर लिया। इतिहास पढ़िया करो। मैं जिथे जाना मैं संगत ने कपील करिया करना भाई अपना इतिहास पढ़ो। पंजाबियां खान का शौक है, पंजाबियां पीन का शौक है, पंजाबियां हंडाउन का शौक है, पर माफ करियो पंजाबियां पढ़न का शौक नहीं। पंजाबी 300-300 रुपए की बोतल खरीद सकता है पर एक 3 रुपए की अखबार लैके नहीं पढ़ सकता। मैं तकरीबन सारे वर्ल्ड का टूर किया है, इंग्लैंड, कनेडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, आस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया। मैं जब जहाज में जाके बहना जहाज में जिन्हें भी पंजाबी बैठे होंगे बहुते पंजाबियों के अगे शराब दियां बोतल पईयां होणगियां। कितने गोरे लोगों ने वेखो इन्हों के हाथ में कोई किताब होगी, कोई अखबार होगी, कोई मैगजीन होगा। तो गोरे लोग अपने साहित्य अपनी बोली अपने सभ्याचार बड़ा प्यार करते हैं पर साडे पंजाबियों पढ़ने का शौक नहीं। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का कारण सी बादशाह जहांगीर खुद। बादशाह जहांगीर ने अपनी स्वैजीवनी लिखी जिन्हों इंग्लिश असं कहने ऑटोबायोग्राफी। जहांगीर ने उस ऑटोबायोग्राफी का नाम रखे है तौजत जहांगीरी। अपनी कलम में लिखता है कि दरिया ब्यासा कंडे एक हिंदू पीर अर्जन रहा सी। कहिंदा जदों मैनू पता लगा कि मेरा पुत्र शहजादा खुसरो बगावत करके पंजाब वल वधिया उस हिंदू पीर अर्जन देव ने मेरे पुत्र शहजादा खुसरो की मदद की थी। ते जदो मैनू पता लगा मैं उस वेले कर्मचारियों नूं हुक्म दिता कि जासा दे अनुसार इहनूं तसीहे दे दे के कतल कर दिओ। इस लिखते हुंदिआं कोई शक नहीं रह जांदा कि हजूर दा कातल कौन सी। बादशाह जहांगीर दा इंसाफ वेखो
बादशाह जहांगीर लिखद है, कहना जो मेरा पुत्र शहजादा खुसरो बगावत करके पंजाब वाल वधिया, मेरी मगर मगर आ रहा से। जो मैं पानीपत पुजा, मैं खबर मिली कि पानीपत के पीर निजामुद्दीन ने मेरे पुत्र शहजादा खुसरो की बगावत मदद की। कहते मैं उस वेले कर्मचारियों ने कहा इन खर्च पत्ता दे के मक्के के हज में तोर दौ। वेखो बादशाह जहांगीर का इंसाफ, जे एक मुसलमान ते शक होया उहदे वास्ते ते सफर खर्च पत्ता दे के उहनू मक्के दे हज नूं तोर दित्ता, ते जे एक हिंदू पीर ते शक पिया उहनां वास्ते तत्ती तवी तैयार कर दित्ती गई। ई है बादशाह जहांगीर दा इंसाफ। कहिंदे ने बादशाह ने श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे वरंट जारी कीते, महाराज लाहौर कचहरी च आए। बादशाह जहांगीर ने कहा कि मैं तुहाडा सत्कार करदा हां, तुसां ने मेरे पुत्र शहजादा खुसरो दी मदद कीती है, उहनूं लंगर छकाया, उहनूं तिलक लाया, उहदी माली मदद कीती है। महाराज कहण लगे तिलक रवान लवाउण दा रवाज सिर्फ केवल गुरगद्दी वेले है। तेरे पुत्र तेरे पिता जलालुद्दीन अकबर ने भी पंगत विच बैठ के लंगर छकिया सी कि तेरे पुत्र नहीं छक लिया, फिर की हो गया। कह लगा तुसाने माली मदद कीती है। महाराज कहन लगे की माया संगत दी है। कह लगा मैं पता लगा कि तुसाने एक ग्रंथ लिखा है, उहदे विच इस्लाम दी उस्तत लिख देवो। महाराज कहन लगे ई धूकी बाणी है, इहदे विच इक वी अखर घट वध नहीं कीता जा सकदा। कह लगा फिर मरन वास्ते तैयार हो जाओ। महाराज कहन लगे मौत प्रमाण है। कहिंदे ने बादशाह आर्डर करके हुक्म करके कश्मीर नूं चला गया। ते हुण रोल आया जी चंदू लाल दा। चंदू लाल ने सोचिया एडू वधिया मौका नहीं मिलना, यह महाराज दे कोल आया। कहिंदा महाराज हजरत मुहम्मद साहब की उस्तत ग्रंथ विच लिख देवो, मेरी लड़की का रिश्ता प्रमाण कर लो, जुर्माना मैं उतार देंगा। ते महाराज कह लगे चंदू लाल जी तेरी लड़की का रिश्ता प्रमाण नहीं, कि धुरकी बाणी है, इहदे विच इक वी अखर घट वध नहीं कीता जा सकता। ते कहिंदे माया संगत दी है, इक वी पैसा जुर्माने वजो नहीं दिता जा सकता। इस चंदू लाल ने गुस्से विच आ के तीन दिन गुरु अर्जन देव महाराज नूं जेठ हाड़ दीआं कड़क दीआं धुप्पां विच खड़े कीती रखिया। आखिरकार इहने गुरु अर्जन देव महाराज वास्ते तत्ती तवी तैयार कर दित्ते। कहिंदे ने पंचम पातशाह तत्ती तवी उत्ते बैठे ने। इहनां दे मित्र साईं मियां मीर नूं पता लगा, उह दौड़िया आया ते जदों महाराज दी हालत वेखी ताहां मार के महाराज दे सामने ऐ रो पिया। Bye.
ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਖਸੂਸ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਾਟਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੂਰਨ ਬੈਂਕ ਢਾਈਆਰ ਸਾਲੂ ਕਲੀ ਝੋਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਡੀ ਨੇ ਇਹ ਢਾਡੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰਾਜ ਹੈ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਝੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਧੋਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇਹ ਠਕਾ ਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਵਰ
मुसलमान ते मुर्दा भी साड़दे नहीं जिउंदे रब नूं अग विच पाउण लगे। कहिंदा महाराज इह की भाणा वरतार है जी। महाराज हसे कह लगे साईं जी तुसीं इक दिन दरबार साहिब आए असीं शब्द पढ़ रहे सी तन मन कान काट सब अरबी विच अग्नि आप जलाई ते तुसां ने सवाल कीता सी महाराज भी ये हो सकता है कि एवें पढ़न वास्ते शब्द है ते असीं तुहानूं क्या सी इहदा उत्तर देवांगे। साईं जी तुहाडी उस गल का जवाब अज असीं तत्तियां तवियां ते बैठ के दे रहे हां। करते
साईं मियां मीर जी आ गए। तीन दिन हजूर नूं तसीहे दे दित्ते गए, कड़कवी धुप विच खड़े कीती रखिया, तत्ती तवी गर्म गर्म शीस विच रेत, फिर हजूर नूं देग विच उबाल के शहीद किया गया। कई इतिहासकार लिखते ने, अज सानू इतिहासकारां तों सचेत होण दी लोड़ है। अज मेरे इतिहास में कुछ शंके पैदा किए जा रहे हैं, अज अखौती इतिहासकार सरकारां दी शह उत्ते अपनी कलम नाल सिख इतिहास नूं बिगाड़ रही हैं। सानू सचेत होना पवेगा उन्हां इतिहासकारां तों जिहड़े सिखी का अक्स बिगाड़ रहे हैं। कहिंदे ने अर्जन देव जी ने कहा, जी मैं इशनान करना चाहुंदा हां, कितनी जालम की मर्जी है उन्होंने इनान कर देवे जा ना देवे। जी महाराज ने कहा भी असं इनान करना चाहते हाँ, और रावी दरिया के कंढे त लै गए, तो कहते ने महाराज ने टूपी लाई फिर मुड़ के नहीं आए। ये गल सब गलत ने, तो महाराज के अपनी कलमना लिखते हैं, आत्म घाती जगत कसाई। फिर महाराज की ये बाणी गलत हो जाएगी। महाराज ने कोई इनान कर इच्छा जाहिर नहीं की, जबरदस्ती ये चंदू लाल ते उहदे कर्मचारी गुरु अर्जन देव महाराज नूं दया व्यासा कंडे लैके आए। इत्थे अर्जन देव जी नूं खोते देवे ते शहीद किया गया। भाई साहब भाई रतन सिंह जी भंगू लिखते ने, गुरु अर्जन दरियाए ना बोड़ियो, कि गुरु अर्जन देव जी नूं खोते दे के शहीद नहीं किया गया, पाप गोते दे के शहीद कर दिता गया। शायर का एक ख्याल है, एक तसव्वुर है, पंजाबी का एक शायर इस रावी दरिया के कंढे ते खड़ा है, जिथे मेरे अर्जन देव जी नूं गोते दे के शहीद किया गया। ढाडी शायरी के बाबा बोल मरहूम ढाडी ज्ञान दया सिंह जी दिलवर रावी दरिया के कंढे ते खड़ के रावी दरिया दे नाल जो गल्लां कर रहे ने, ढाडी कला का एक रंग है कली, ढाडी सिंह कली, ओ अल्फाज इक इक लफ बड़ा काले गौर है, जरा गौर फरमा।
साबित कर दिया। आखिर शहीदी नाम किसका है, शहादत किसको कहते हैं? मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, सदा कहते ने आवाज में, मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। फसीले आतिश व आहिन बहुत बुलंद सही, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की प्रवास को रोकने वाले हर गोविंद की तलवार को कौन रोकेगा। श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत तो बाद श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने तलवार उठाई, मुगलों नाल चार जंग लड़ी। सिख कौम का इतिहास बड़ा ही स्वादला और दर्दनाक है। उन इतिहास के खूबसूरत पन्नियां विचों कुछ पन्ने तकरीबन मैं एक वीक आप जी नाल सांझे करन दे यतन कीते ने। मैं सारिया संगतों को हाथ जोड़ खिमा चाहवांगा कि अगर ताडी जत्था इतिहास विख्यान करदिया किसी तरह की गलती कर गया हो खिमा चाहवांगा। मैं अति धनवादी हाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख सेवादार भाई साहब भाई निरपैर सिंह जी, सरदार रणजीत सिंह जी, सरदार गुरचरण सिंह जी, प्रोफेसर सुखचैन सिंह जी, वीर सतमोहन सिंह जी, और मैं अति धनवादी हाँ अपने वीर ओम वीर सिंह जी का जिन्होंने ताड़ी जत्थे की बड़ी सेवा की है। मैं सारी संगत का तह दिलों धनवादी हाँ, अति धनवादी हाँ अपने वीर प्रोफेसर सुखचैन सिंह जी का जिन्हों की बदौलत आप संगतों के चरणों की तूड़ मस्तक पर लाने सुभाग समा मिलया है। इन्हों का बड़ा वड्डा उपराला है, तो हाडे बच्चियां नूं पंजाबी मां बोली दे नाल जोड़ रहे हैं। मन बड़ा प्रसन्न है कि सत समुंदर पार आके तुसी अपने गुरु नाल, अपने धर्म नाल, अपनी बोली नाल, अपने सभ्याचार नाल जुड़े हुए हो। अज सब तो वड्डी लोड़ है अपने बच्चियां नूं पंजाबी मां बोली नाल जोड़ना। कभी पंजाब जाओ, मन बड़ा दुखी हुंदा है, बच्चा स्कूलों आउंदा है कि साडियां मावां साडियां भैणां, बेटा तुम आ गए, अच्छा बेटा जी बताओ अब क्या खाओगे, अच्छा बेटा तुमने स्कूल का काम कर लिया, हुण घर विच हिंदी दा रवाज चल पिया। पर माफ करना, हर एक दी बोली होया करदी है, साडी बोली है मां पंजाबी, और असां ने अपनी पंजाबी मां बोली नूं नहीं विसारना। कदी रशिया जाओ, रशिया दे लोकां ने अगर करनी तो करनी गाल देनी होवे ते उह कहिंदे ने जा तेन तेरी मात भाषा भुल जाए, इस तो वड्डी करनी गाल कोई नहीं। अब तुसने अखबारा पढ़िया होनगियां, आ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है यूनेस्को, उन्होंने पिछले दिन अखबारों में एक बयान दिता सी कि अज तो 50 साल बाद आ पंजाबी जबान सदा वास्ते खत्म हो जाएगी। यूनेस्को का किया गया यह सर्वेखन कितों तक साबित होंगे ये आने वाला समा दसेगा। पर आपने अपने बच्चों को पंजाबी मां बोली नाल जोड़ना है, अपने धर्म नाल जोड़ना है, अपने गुरु नाल जोड़ना है, अपने सभ्याचार नाल जोड़ना है। संगतों वालों इतिहास के सत्कार में बेनत कीर्तन भेट माया अरदास है। महाराज सारिया के नाम जानी जान हैं, मैं सारिया संगतों का तह दिलों शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने अपनी दसों नाम की किरत विचों बेनत कीर्तन भेट माया अरदास करवाई है। मैं वैसे पंजाब एंड सिंध बैंक में बतौर हैड कैशियर की जॉब की, करोड़ा नोट गेंद छे। एक दिन मेरे परम पूजा पिता ज्ञानी दया सिंह दरबार जी ने कोल बिठाया, कह लगे बेटा डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर बनता है, वकील का पुत्र वकील बनता है, इंजीनियर का पुत्र इंजीनियर बनता है, पर किसी ढाडी का पुत्र ढाडी नहीं बनया। मैं चाहता हाँ कि तू अपना विरसा संभाले, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं। मैं कहा पिता जी कुछ समा चाहिए। मैं एक दिन विचार की, सरकारी नौकरी तो त्याग पत्र दे के मैं सच्चे परवदगार की नौकरी करन दा निर्णय लिया। अज आप संगतां दी निवाजिश है, आप दिल दी बुकल विचों प्यार देंदे हो, सत्कार देंदे हो। मेरा नाम दिलबर, मेरी अल दिलबर, मैनू आखदे ने मेरी मीत दिलबर, ज्ञानी दया सिंह दिलबर है बाप मेरा, मेरा वड्डा भरा दलजीत दिलबर। मेरे पिता ने 19 किताबां लिख के कर दिता तखल सुरजीत दिलबर, कविता पढ़न ते लिखन दा शौक मैनू, असल नाम है मेरा कुलजीत सिंह दिलबर। मेरे खब्बे पासे
ਢਾਡੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲ ਨੇੜੇ ਲੋਹੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਲੋਹੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਢਾਡੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਬਤਗੜ੍ਹ ਅਟਾਰੀ ਨੇੜੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਓ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਅੱਛਾ ਸੰਗਤੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਾ ਆਖੋ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਰਹੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ
वाह।